लगता है कि काफी लोगों का मतलब भीड़। देखिए सर, चाय मैं बनाता हूँ दिल से, प्यार से, रिस्पेक्ट से, हाँ। और साथ में अपना स्टाइल, अपना अंदाज अलग से, क्योंकि लोग चाय के साथ साथ देखते हैं कि चलो एक रैपर है यार, एक टैलेंट उसमें अलग है, इसलिए लोग मेरे को प्यार देते हैं। जो रियलिटी है वो रियलिटी तो बोलना पड़ेगा ना मेरे को, भाई वो इतने मेहनत करते हैं खान सर, एक समय था कि कैसे कैसे स्ट्रगल किया करते थे, और एक समय के बच्चे लोगों के दिल में इतना प्यार दिया ना, बच्चे लोग भी प्यार देते हैं तब ना वो नाम कर रहे हैं, और भाई हर एक गरीब लोगों के लिए वो करते हैं सर। अच्छा खान सर, हकीकत में अगर थोड़ा समय बात अब खान की आ गई है तो खान की बात हम लोग कर लेते हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो खान बिहार में नहीं, पूरे भारत का, पूरे भारत, पूरे देश विदेश में, पूरे मतलब देश विदेश में तालका मचा, इसमें क्या राज रहा है? तो सही वो सुनो है, छोटा बच्चा है तो इतना मेहनत किया, इतना लोगों को के लिए, सबके लिए किया कि वो कहीं भी कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने जवाब दे सकता है, बता सकता है वो चीज़ें। बोले भैया कड़ी मेहनत के बाद एग्जाम आई पास, पता चला सेंटर पर बीपीएससी के पेपर हुआ लीक, एग्जाम हुआ सब पेपर के लीक, सरकारी कर्मचारी को एक खास दिल में लेकर आए थे, कुछ आस दवा कर रखा था, पूरी राज कुछ बनकर जाऊंगा मैं आज, घर वालों को क्या मैं बताऊँ अपने दिल की बात, सरकारों के चमचे को दे दो फिर से बधाई, कुछ करे या ना करे उनके फंड में पैसे आते जाए, अरे उतना ना रोया हूँ अपनी लाइफ में जितना आज रोया हूँ बीपीएससी के पढ़ाई में। तो सुनो, अरे कैंसिल हुआ पेपर, ख्वाब है अभी भी ऊपर, चलते तो ये सोच कर जाऊंगा मैं जॉब लेकर, अरे घुस ले, अरे उसमें विलुप्त बड़े बड़े अफसर, क्या करते तो ये सोच कर निकल जाएगा ये बच के हंसकर, अब बैठे हैं उनके ऊपर बड़े बड़े अफसर, पकड़ गए ये जरा कसकर। अरे क्यों बोलता कि उठा विवाद न्यूयॉर्क 1970 में गोरे और कालों में, तब से चलने लगी हिप हॉप की बात, बीट बॉक्सर से डीजे की बात, ग्राफिटी बी बॉय एमसी खास, भाई पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से नासिक, भाई पिता क्लासिक नहीं है, आसिक मैं ठहरा मिजाज, मेरे के लिए कौन है ठंडार के नाम सर, लॉकडाउन में मेहनत करके किया कमाल सर, बच्चों के दिल में बनाया अपना नाम सर, कड़ी मेहनत करके लोगों के दिल में आया है सर का नाम सर, किया ऑफर भी आया पर वो नहीं गया, पटना बिहार के मुसलम। देखा और लास्ट में मैं कहूँगा थोड़ा सा, चूंकि क्या अब तक शिक्षा पे आपने बात किया, थोड़ा सा और कुछ क्या हमारा दर्शकों सर? देखिए सर, एक बीपीएससी के ऊपर पेपर अभी लीक हुआ, तो मैं अभी लीक हुआ, हाँ तो मैं उसके ऊपर अभी रैप लिख भी रहा हूँ और साथ में अपना प्रैक्टिस भी करते रहता हूँ, तो मैं सुनाता हूँ। अरे स्टूडेंटों की पढ़ाई दिन रात करके आते मेरे भाई, कड़ी मेहनत के बाद एग्जाम आई पास, पता चला सेंटर पर बीपीएससी के पेपर हुआ लीक, एग्जाम हुआ सब पेपर के लीक, सरकारी कर्मचारी को एक खास दिल में लेकर आए थे, कुछ आस दवा कर रखा था, पूरी राज कुछ बनकर जाऊंगा मैं आज, घर वालों को क्या मैं बताऊँ अपने दिल की बात, कोई ना देते यहाँ पे किसी का साथ, अरे सरकारों के चमचों को दे दो फिर से बधाई, कुछ करे या ना करे उनके फंड में पैसे आते जाए, अरे उतना ना रोया हूँ अपनी लाइफ में जितना आज रोया हूँ बीपीएससी के पढ़ाई में। तो सुनो, अरे कैंसिल हुआ पेपर, ख्वाब है अभी भी ऊपर, चलते तो ये सोच कर जाऊंगा मैं जॉब लेकर, अरे घुस ले रहे बच्चों से सरकारी दफ्तर, अरे उसमें विलुप्त बड़े बड़े अफसर, क्या करते तो ये सोच कर निकल जाएगा ये बच के हंसकर, अब बैठे हैं उनके ऊपर बड़े बड़े अफसर, पकड़ गए ये जरा कसकर। अरे वारे, तो ये क्या सोच कर लिख दिया, क्या पकड़ कर मतलब कसकर क्या सोच कर लिख? देखिए सर, मैं ये सोच के लिखूंगा क्या, मतलब स्टूडेंट लोग यहाँ पे आते हैं चाय वाय पीने के लिए, सब आपस में बात करते हैं ना, तो मैं उन लोगों को थिंकिंग लिखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ ये बोलना क्या चाह रहा है, ये करना क्या चाह रहा है, तो उसके अनुसार से लोगों में जो मुद्दा उठते हैं उस चीज़ को कन्वर्ट करता हूँ मैं अपने रैप में। मैं कोई भी चीज़ मैं लिखता हूँ अपने दिमाग से नहीं, सब जनता और लोगों को सिचुएशन को देख के मैं रैप में कन्वर्ट करके और अपने रैप स्टाइल अपने शब्दों से लोगों को बयां करना चाहता हूँ ये दुनिया में क्या चल रहा है। रैप इज़ द रियलिटी लाइफ ब्रो, नॉट गजल पोएम शायरी। क्या बात है, वो अलग है, रैप अलग है। क्यों बोलता कि उठा विवाद न्यूयॉर्क 1970 में गोरे और कालों में, तब से चलने लगी हिप हॉप की बात, बीट बॉक्सर से डीजे की बात, ग्राफिटी बी बॉय एमसी खास, भाई पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से नासिक, भाई पिता क्लासिक नहीं है, आसिक मैं ठहरा मिजाज, मेरे के लिए कौन है ठंडक मिला, कहीं भी शुरू हो जाता मैं सबका कर देता पैंट में गिला, क्यों क्योंकि हाथ में माइक है, सर पे कैप है, भाई तेरा चलता हिप हॉप स्टाइल, लोग मुझे कहता था मैं तो सहता था, पहना है पापा का टी शर्ट और पैंट, चल हट, हाँ पहनना है अलग ही रहना है मुझे, क्यों तुम बदनाम करता है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, साथ देने वाला साला कोई नहीं होगा, पीठ पीछे करता मेरा बुराई, दोस्तों को बोलकर उन्हें चढ़ाई, मान ले ये बात हिप हॉप ही देगा मेरा साथ, क्यों क्योंकि करूँ मैं मेहनत रब की रहमत, तो मुझे कुछ कह मत जाके कर बेटा तू मेहनत, अरे मेहनत भी करके करेगा क्या, आर्टिस्ट को पागल मनाते यहाँ, अपने बंदे को आगे लाते हैं जिसमें टैलेंट है उसे भगाते, मीठी मीठी बातें बोलकर जाओ त्राजू में तोल दे सोने तोल कर, पांच पेटी दस पेटी चाहिए कॉल पर, तभी तो आएगा आने वाला टीवी वाले शो पर, सुनो 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 गौर से, सुनो गौर से, भाई तेरा आया टॉप फ्लोर से, जगह सर्च करो यूट्यूब पर टॉप फ्लोर से, मेरा यूट्यूब चैनल हुआ मेरी और, भाई लोगों का प्यार दो सपोर्ट करो। वाह क्या बात है, मैं भी चाहूँगा ऐसे लोगों को उठाना चाहिए, आप बहुतों लोगों को देते हैं, इनको भी ये होना चाहिए, क्योंकि एक कला किसी की मोहताज नहीं होती है और ना ही कोई सिखाता है, ये ऑटोमेटिक गॉड गिफ्ट अगर कह लिया जाए तो कम पड़ जाएगा, क्यों देखो सब में थोड़ी कला होती है, कला सब में होती नहीं है, बट कुछ कला
अपने आप मेहनत करके भी लाया जा सकता है। कुछ देती है ऊपर वाला, कुछ अपने आप मेहनत करके लाते हैं। कला कला दो चीज से बनती है, एक मेहनत और ऊपर वाले की रहमत। एक मेहनत और एक ऊपर वाले की रहमत। मुझे कुछ कह मत, जाके कर बेटा तू मेहनत। अच्छा अब इधर मैं देखूं, अगर पटना या देखा जाए तो शिक्षा का गढ़ है, और ये इसी पटना में आपके बगल में ठीक हमें लग रहा है कि 100 मीटर दूरी पे खान सर बड़ा फेमस है जी। अगर देखा जाए तो खान सर के लिए आपका अंदाज क्या है? अंदाज तो मैंने कुछ नहीं, मैं अभी लिखना स्टार्ट करा था। खान सर पटना बिहार के नाम सर, लॉकडाउन में मेहनत करके किया कमाल सर, बच्चों के दिल में बनाया अपना नाम सर, कड़ी मेहनत करके लोगों के दिल में आया है सर का नाम सर, किया ऑफर भी आया पर वो नहीं गया, पटना बिहार के मुसलमपुर के यहीं पर बस गया। आप देख सकते हैं खान सर को भी इनके बगल में है, तो हवाएं लगती है बगल की, अक्सर हवाएं लगती है, तो अगल बगल की इनकी हवाएं इतनी लग चुकी है कि उनके बिन कहे इस शब्द में जान डाल दे रहे हैं। क्यों नहीं, जो रियलिटी है, जो शब्द मैं देखता हूँ वो चीज़ तो मैं, जो रियलिटी है वो रियलिटी तो बोलना पड़ेगा ना मेरे को भाई। वो इतने मेहनत करते हैं खान सर, एक समय था कि कैसे कैसे स्ट्रगल किया करते थे, और एक समय के बच्चे लोगों के दिल में इतना प्यार दिया ना, बच्चे लोग भी प्यार देते हैं तब ना वो नाम कर रहे हैं, और भाई हर एक गरीब लोगों के लिए वो करते हैं सर। अच्छा खान सर, हकीकत में अगर थोड़ा सा मैं बात अब खान की आ गई है तो खान की ही बात हम लोग कर लेते हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो खान बिहार में नहीं, पूरे भारत का, पूरे मतलब देश विदेश में हल्का मचा, इसमें क्या राज रहा है, ऐसा क्या पढ़ा देते हैं कि पूरे भारत में? सर जी वो अपने, जैसे हम कहते हैं ना, हम अपने रियलिटी लाइफ से अपने रैप लिखते हैं जी। तो वैसे ही वो जब पढ़ाते हैं ना तो वो अपने एक अपने स्टाइल से पढ़ाते हैं, एक रियलिटी, एक प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल से पढ़ाते हैं, और जो चीज़ें होता है ना, शब्दों को डिफिनेशन को डिफाइन करके बताते हैं, बंदे को घुस नहीं रहा, कहते रे ये काम काहे नहीं कर रहा, तो वो अपने अरे तू ये काम काहे ना कर ली रे, मतलब समझ रहे हैं, मतलब इतना डिफाइन करते ना कि बच्चे को दिमाग में कैच करेगा ही करेगा। अपने स्टाइल अपने अंदाज से वो पढ़ाते हैं। देखो टीचर तो पढ़ाने वाले सब है, असली टीचर वही होते हैं जो उस डिफरेंट चीज़ों को अपने तोड़ फोड़ को बच्चे के दिमाग में एंट्री करवा देना, वो होता है रियलिटी। अच्छा तो मतलब एक किसी तरह अगर देखा जाए तो बच्चों के दिमाग में घुस घुसा देना है। हाँ। क्यों, उनके अंदर शब्द है, कहते ना जब डांस सिखाते हैं, कोई एक होता है हार्ड वर्क डांस सिखाने वाला, एक होता है सॉफ्ट वर्क। हार्ड वर्क डांस सिखाने वाला उसको बहुत समय लगता है सीखने के लिए, और कोई आता है डांसर की यार उसको इतना तोड़ फोड़ा फोड़ता फोड़ता ऑटोमेटिक स्टेप ऑटोमेटिक वो बच्चे के चले जाते हैं दिमाग में, तो वही हमारे खान सर है। अच्छा चलिए आज हम लोग रहे खान सर के बगल में और मिल गए रैपर साहब, रैपर साहब से हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में हम चलते चलते एक सवाल लास्ट में करेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर आए होंगे, बहुत मीडिया वाले आए होंगे, लेकिन आज जोश एक्सप्रेस और हमारे जैसे लोग से मिलकर कैसा एहसास हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसलिए सारे लोग मेरे को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अरे आप लोग हैं तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं नहीं। नहीं, कभी कभी ये भी देखा हूँ मैं इसी बिहार इसी पटना में देखा हूँ कि अगर देख लिया जाए तो जो थोड़ा सा वायरल हो जाता है, वायरल हम ही और आप जैसे लोग करते हैं, वो वायरल होते ही अपने आप को इतना वो कर लेता है क्योंकि मिलना मुश्किल हो जाता है। नहीं नहीं, वो उतना नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखो ये नहीं कि वायरल हुआ तो तुम अपने आप को बड़ा आदमी बन गया, तुम वही हो जो कल थे, और तुम वही रहो जो कल बनने वाले थे। मैं कहता हूँ बनने के बाद भी तुम वही रहो जो बनने से पहले थे, इससे पता है क्या होगा यार, दिल में सबका प्यार रहेगा तुम्हारे बीच में यार, तुम वो मत बनो जो तो मैं, तो भाई वो बनना चाहता हूँ जो मैं आज हूँ। अरे बदलो उसके लिए जो बदले तुम्हारे लिए, बदलो नहीं उसके लिए जो बदले ना तुम्हारे लिए, तो वो बनना चाहो ना भाई। बिहार में अगर शिक्षा को बात कर लिया जाए तो इस समय सोनू एक लड़का 11 वर्ष का काफ़ी वायरल चल रहा है, चूँकि बिन डरे बिन सहमे मुख्यमंत्री के सामने बोलना इतना आसान थी, लेकिन मुख्यमंत्री को भी उसने ऐसे यूँ दबा दिया कि पता ही नहीं चला, और मुख्यमंत्री भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाए शिक्षा को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, वो छोटा सा बच्चा है बट वो अपने मेहनत अपने बलबूते के अनुसार से, वो मैंने तो जिंदगी में पहली बार सुना कि यार चौथा पाँचवा में क्लास में पढ़ने वाला लोग या 40-40, 50-50 बंदे को पढ़ा रहे हैं, उसने अपना कड़ी मेहनत से और अपना एक्सपीरियंस से उसने अपने वो मुद्दा कमाया है, वो अपना स्टडी कमाया है, इसलिए हो सकता है कि बड़े बड़े लोगों से बात करते हो अपने कैसे कहते हैं, जैसे मैं रैप करता हूं, तो मैं करीबी कहीं भी मेहनत करता हूं, लोगों को कुछ भी ट्रीट कर सकता हूं अपने रैप स्टाइल में, तो सही वो सुनू है छोटा बच्चा है, तो इतना मेहनत किया, इतना लोगों के लिए सबके लिए किया कि वो कहीं भी कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने जवाब दे सकता है, बता सकता है वो चीज़ें। बोलिए भैया
चलिए अब इनका समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि चारों तरफ देख रहे हैं भीड़ है और इस भीड़ में इनका धंधा भी थोड़ा सा लो हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहूँगा कि इनका धंधा लो हो। तो अब ज़्यादा कुछ कहना भी उचित मैं नहीं समझ रहा हूँ, और ये अपने धंधे में लगे हैं तो धंधा भी चलना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।